तब उसने उसे अंदर वहां ले जाने की आज्ञा दी जहां चांदी के पात्र रखे थे और उसे अपनी मेज का भोजन परोसने और अपनी अंगूरी पिलाने को कहा। परंतु युधित ने कहा, मैं आपका भोजन नहीं खा सकती, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाप करूं, मैं जो लाई हूं वही खाऊंगी। इस पर होलोफर्नेस ने उससे कहा, परंतु यदि तुम जो लाई हो वो खत्म हो जाए तो फिर तुम्हें वैसा भोजन कहां से मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो तुम्हारी जाति का हो और जिसके पास वही भोजन हो। युधित ने उससे कहा, श्रीमान निश्चिंत रहे, जब तक प्रभु मेरे द्वारा वो कार्य जिसका उसने निश्चय कर रखा है पूरा न करेगा, तब तक आपकी दासी के पास जो भोजन है वो समाप्त नहीं होगा। इसके बाद होलोफर्नेस के सेवकों ने उसे उसके तंबू में पहुंचा दिया। वो वहां आधी रात तक सोती रही। उसने प्रातःकालीन प्रार्थना से पहले उठकर होलोफर्नेस से कहलवाया था, श्रीमान आज्ञा दे कि आपकी दासी प्रार्थना करने बाहर जा सके। अतः होलोफर्नेस ने पहरेदारों को आज्ञा दी थी कि वे उसे न रोकें। इस प्रकार वो 3 दिन तक पड़ाव में रही। वो रोज रात बेतुलिया की घाटी जाती और पड़ाव के जल स्रोत में स्नान करती। स्नान करने के बाद वो प्रभु इज़राइल के ईश्वर से प्रार्थना करती कि वो उसकी जाति के लोगों के उद्धार के लिए उसका उद्देश्य सफल करे। इसके बाद वो लौट आती और शुद्ध होकर तंबू में रहती, जहां संध्या काल उसके लिए भोजन लाया जाता। 4th दिन होलोफर्नेस ने अपने सेवकों को एक भोज दिया। उसमें एक भी उच्चाधिकारी को नहीं बुलाया गया। उसने अपनी सारी संपत्ति की देखरेख करने वाले कंचुकी बगोआस से कहा, जाओ और उस इब्रानी स्त्री को जो तुम्हारी निगरानी में है हमारे पास आने और हमारे साथ खाने पीने को राजी करो। ये तो हमारे लिए लज्जा की बात होगी कि हम ऐसी स्त्री से बातें किए बिना उसे जाने दें। हम उसे अपने प्रति आकर्षित नहीं करेंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएगी। होलोफर्नेस के यहाँ से उसके पास जाकर बगवास उससे बोला, सुंदरी मेरे स्वामी के पास जाने में संकोच न कीजिए, उनके यहाँ आपका सम्मान होगा। आप हमारे साथ आनंद मनाते हुए अंगूरी पीजिए और नबूकदनेज़र के महल में रहने वाली प्रतिष्ठित असूरी नागरिकों की पुत्रियों जैसी बनिए। युधित ने उससे कहा, मैं श्रीमान का विरोध कैसे कर सकती हूँ, उन्हें जो अच्छा लगेगा वो मैं तुरंत करूँगी और ये मेरे लिए जीवन भर गौरव की बात होगी। उसने उठकर अपने वस्त्र और अपने सब नारी सुलभ आभूषण पहन लिए। उसकी दासी ने जाकर उसके लिए होलोफर्नेस के सामने वो ऊनी कालीन जमीन पर फैला दिया जो बगवास ने उसे उसके दैनिक उपयोग के लिए दिया था, जिससे वो उस पर बैठकर भोजन करे। युधित भीतर जाकर बैठ गई। उसे देखकर होलोफर्नेस मुग्ध होकर उत्तेजित हो उठा और उससे संसर्ग करने की प्रबल कामना करने लगा, क्योंकि उसने जब से उसे देखा था तब से वो उसे भ्रष्ट करने का अवसर देख रहा था। होलोफर्नेस ने उससे कहा, पियो और हमारे साथ आनंद मनाओ। युधित ने कहा, श्रीमान मैं जरूर पीऊंगी, क्योंकि जन्म के बाद मुझे किसी भी दिन आज की तरह सम्मान नहीं मिला। तब होलोफर्नेस के सामने उसने वो खाया पिया जो उसकी सेविका ने उसके लिए तैयार किया था। होलोफर्नेस उसके कारण बहुत प्रसन्न था। उसने बहुत अधिक मदिरा पी, इतनी अधिक जितनी उसने जन्म से आज तक किसी भी दिन नहीं पी थी।